दोस्तों मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं द अमर टेक्निकल। अभी हम है यहाँ अभी राधा हरी हीरो, तो यहाँ देखने को मिल जाता है हीरो का हार्ले डेविडसन। हीरो में अब आपको जो है सो हीरो का हार्ले डेविडसन भी देखने को मिल जाता है। वैसे अगर हम बात करेंगे तो हार्ले डेविडसन का कोई भी बाइक देखने को भारत में अब नहीं मिलेगा, बट हीरो के साथ कोलेबरेट करके आपको हीरो हार्ले डेविडसन इसमें दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक तो ब्लैक आ जाता है जो कि मैट ब्लैक है, वहीं अगर हम बात करेंगे यहाँ तो आपको एक कलर देखने को मिल जाता है ये ग्लॉसी रेड में, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। साथ साथ आपको ब्लैक इंसर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ ये जो लगी हुई है आपको सामने ब्लैक कलर, काफ़ी बेहतर से आपको कलर ये निकल करके आ जाता है। बात कर लेते हैं हम इसके सबसे पहले इंजन की, क्योंकि हार्ले डेविडसन इंजन और आवाज़ के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ देखेंगे तो 440 cc का आपको इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आ जाता है आपको लिक्विड कूल्ड। यहाँ पर देख सकते हैं रेडिएटर भी आपको दिया गया, बड़ा सा आपको इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो आपको गियर लीवर देखने को मिल जाता है, इसमें लगभग टोटल 6 इसमें मिल जाता है गियर, 6 स्पीड आपको यहाँ पर ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट में, तो काफ़ी बेहतर से आपको इसमें अप साइड डाउन फ्रंट देखने फ्रंट जो है सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिया गया जो कि छोटकू सा LED में आपको देखने को मिल जाता है। अगर ये सब बात करेंगे मड गार्ड की, तो मड गार्ड भी आपको देखने को मिल जाता है, ये सब आपको आ जाता है मेटल में। इसमें काफ़ी बेहतर से आपको एलाइबल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी डिजाइनिंग इसका जो देखेंगे काफी बेहतर सा है। अगर हम बात करेंगे टायर सेक्शन की, तो यहां आपको मिल जाता है 190/18 का आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, 18 इंच में आपको यहां एलाइबल देखने को मिल जाता है। वहीं बात करेंगे इसके डिस्क ब्रेक की, तो काफी बेहतर बड़ा सा आपको ब्रेकिंग इसका मिल जाता है, जो कि आ जाता है 320 mm का फ्रंट का आपको डिस्क ब्रेक देखने को यहां पर मिल जाता है। वहीं बात करेंगे ब्रेकिंग के लिए, आपको बाइबर का इसमें डिस्क ब्रेक यूज किया गया, जो कि काफी बेहतर आपको इसका ब्रेक बाइट होता है। आ जाते हैं इसके साइड में, तो बहुत सारा चीज आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, नेकेड बाइक है तो इसलिए आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले टैंक के ऊपर में देखेंगे तो हार्ले डेविडसन 440 का आपको यहां पर ब्रांडिंग किया गया है एक्स के साथ में। एक देखेंगे यहां पर आपको दिया गया है को हॉर्न का यहां पर प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो सबसे पहले तो हेडलैम्प की ही बात कर लेते हैं। हेडलैम्प इसमें काफी बेहतर राउंड शेप में आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, क्रोम ब्लैक क्रोम के साथ में यहां पर दिया गया है। यहां देखेंगे तो हार्ले डेविडसन का आपको ब्रांडिंग भी किया गया है, यहां नंबर प्लेट के लिए आपको जगह मिल जाता है कुछ इस प्रकार का। यहां देखेंगे ऊपर की साइड में तो आपको थ्रॉटल मिल जाता है, थ्रॉटल पे यहां पर दो पाइप देख सकते हैं। ब्रेकिंग के लिए आपको लीवर दिया गया है, ब्रेक लीवर यहां पे। इसके हैंडल बार की बात कर लेंगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर अगर बात करेंगे तो थ्रॉटल यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, दो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है इसका थ्रॉटल का वायर। अगर यहां बात करेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए आपको एक बटन, यहां देखेंगे तो आपको मिल जाता है हैजार्ड लाइट का बटन आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यहां तो SOS का फीचर आपको देखने को मिल जाता है, तो बहुत सारा फीचर आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेंगे यहां, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर बहुत सारा आपको ये मिल जाता है बटन। और हम जान लेते हैं सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ का बटन देखने को मिल जाता है। तो इस साइड आ जाते हैं, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये आपको पासिंग के लिए आपको लाइट दिया गया है, जिसमें कि हाई लो ये आपको डिम पास सारा चीज़ का ऑप्शन यहाँ। अगर यहाँ देखेंगे तो ये जैसे ही आप इसको दबाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है पासिंग के लिए, जिसमें हाई और लो दोनों आ जाता है। साथ ही साथ अगर हम हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ हार्ले डेविडसन का आपको ब्रांडिंग भी किया गया है। बात कर लेते हैं कि और हमको क्या क्या फीचर देखने को मिल जाता है इसके ऊपर में, तो ये जो देख रहे हैं ये एरो का निशान, इससे बैक होता है जो भी चीज़। अगर आप ये जो इसका दिया गया है डिजिटल क्लस्टर, जो कि 3.5 इंच का आपको इसमें देखने को मिल जाता है राउंड शेप में। यहाँ देखेंगे तो ये जो बीच वाला जो बटन, जैसे बीच वाला बटन दबाते हैं तो यहाँ पर ये एक्सेस होने लगता है। अगर ऊपर नीचे करना ट्रिप ए ट्रिप बी टाइमिंग सारा चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे नीचे करेंगे तो RTMI ये आपको किलोमीटर जब गाड़ी चलता है उस समय आपको देखने को मिलता है, डेट आपको मिल जाता है आज कितना तारीख है, आप अगर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं वो। सर्विस ड्यू 418 किलोमीटर का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, तो बहुत सारा आपको इस पर देखने को मिल जाएगा ऑप्शन। अगर इससे बैक आपको करना है तो यहाँ ये जो बटन दिया गया यहाँ से आप इससे बैक करेंगे, यहाँ देखेंगे तो फिर आपको एक बार दिखाते हैं। जैसे ये दबाते हैं तो यहाँ पर आपको मीटर फंक्शन करने लगता है, और यहाँ देखेंगे तो इससे बैक कर सकते हैं। नीचे की साइड में देखेंगे तो आपको इंडिकेटर के लिए देखने को मिल जाता है लेफ्ट और राइट, बीच में जैसे पुश करते हैं तो ये इसका इंडिकेटर बंद हो जाता है। वहीं देखेंगे तो एक हॉर्न भी आपको इसमें दिया गया, हॉर्न का एक बार आवाज़ हम आपको सुना देते हैं जो कि क्या निकल करके आ जाता है, तो ये इसका हॉर्न का आवाज़ आ जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे इसके इंजन साउंड की, 440 cc का आपको ये इंजन मिल जाता है। तो एक बार इंजन को हम स्टार्ट करते हैं, तो ये इंजन का साउंड आप सुन सकते हैं कुछ इस प्रकार का, आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ नीचे की साइड में देखेंगे तो इसका फ्रेम आपको यहाँ पर पूरा का पूरा दिखता है, क्योंकि नेकेड बाइक है, सेल्फ स्टार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मिल जाता है आपको
इसका ब्रेक, जो कि ब्रेक जो लीवर है यहाँ पर रियर में ब्रेक लीवर आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो कैटलेटिक कन्वर्टर आपको दिया गया है जो कि कुछ इस प्रकार का पूरा एकदम यूं यहाँ से जाकर फिर यहाँ पर ये एग्जॉस्ट पाइप इसका निकला हुआ है। यहाँ देखेंगे तो काफ़ी बेहतर क्वालिटी का आपको फुट पैडल भी इसमें उपयोग किया गया है। यहाँ पर इसका आपको लोगो देख सकते हैं हार्ले डेविडसन का, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इसमें दिया गया है। वहीं आ जाते हैं रियर में और बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन का सेटअप देखने को इसमें मिल जाता है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो है एडजस्टेबल ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर बात करेंगे फुट पैडल की तो दोनों ही फुट पैडल रियर का हो या फ्रंट का दोनों फुट पैडल आपको ये जरूर फोल्ड हो जाता है, ये पूरा फुल्ली फोल्ड हो जाता है। ये यहाँ स्प्रिंग पर जो है ये फोल्ड होता है, अगर कभी गाड़ी गिर वगैरह जाता है तो ये आपका टूटेगा नहीं, आराम से ऊपर की ओर फोल्ड हो जाता है। वहीं बात करेंगे एग्जॉस्ट की तो काफ़ी बेहतर से आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है, बड़ा सा यहाँ पर एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलता है। इसके ऊपर से कोई डिजाइनिंग वगैरह नहीं किया गया, जैसे इस यहाँ ये जो डिजाइनिंग किया गया यहाँ पे वही पैटर्न अगर यहाँ भी रहता तो ये बड़ा बड़ा सा लगता, वैसे खाली सा ये आपको दिखने में आ जाता है। अगर बात करेंगे यहाँ ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिल जाता है काफ़ी बेहतर सा, यहाँ देखेंगे तो स्टिकरिंग किया गया है हार्ले डेविडसन का जो ये पैनल है इसके ऊपर आपको स्टिकरिंग किया गया है जो कि काफ़ी बेहतर से आपको निकल करके आ जाता है। आ जाते हैं इसके रियर में, अगर रियर में बात करेंगे तो 240 mm का आपको डिस्क पैड देखने को मिल जाता है। रियर में भी वाइवर का ही आपको डिस्क ब्रेक यूज किया गया है। अगर बात कर लेंगे टायर प्रोफाइल की 170-17 का आपको यहाँ टायर प्रोफाइल मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो अलाइवल की बात करेंगे तो ये 17 inch में, फ्रंट में आपको 18 inch में जो है अलाइवल मिलता है। रियर की बात करेंगे तो ये आपको 17 inch में यहाँ पर आपको दिया गया है। आ जाता है सीधा सीधा अब रियर में, बात कर लेंगे इसके टेल लैम्प की तो काफ़ी बेहतर से आपको टेल लैम्प देखने को मिल जाता है जो कि आ जाता है इसका LED में छोटकू सा, काफ़ी प्यारा सा आपको यहाँ पर दिखने में ये आ जाता है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर टर्न इंडिकेटर दिया गया है जो कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आपको जल्दी टूटेगा नहीं, कहीं भी थोड़ा सा हिल इधर उधर भी होगा तो टूटेगा नहीं, ये रबड़ वाला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो एक आपको रिफ्लेक्टर देखने को इसमें मिल जाता है, काफ़ी मोटा सा आपको ये टायर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर, अगर हम बात करेंगे यहाँ तो साड़ी गार्ड आपको देखने को मिल जाता है, वही आपको एडजस्टेबल इधर इस साइड में भी सस्पेंशन का सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो 6-speed आपको ट्रांसमिशन जो इसका निकल करके आ जाता है कुछ इस प्रकार का। देखेंगे तो आपको की लगाने के लिए जगह दिया गया, यहीं से आप इसको लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं हैंडल को। इथेनॉल 20 आपको जहां भी पेट्रोल मिले आप इसमें डाल सकते हैं। E20 का आपको ब्रांडिंग में यहां पर ये किया गया है। वहीं टैंक कैपेसिटी की बात कर लेंगे तो लगभग 14 लीटर के आसपास आपको इसमें टैंक कैपेसिटी फ्यूल कैपेसिटी देखने को इसमें मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर आपको हार्ले डेविडसन X40 का आपको यहाँ पर इसमें ब्रांडिंग किया गया है। वहीं हम इसके प्राइस की बात कर लेंगे लगी हुई है आपको ये मैट ब्लैक में, अगर इसके हम ऑन रोड प्राइस की बात कर लेंगे तो लगभग आपको 3,32,225 रुपये के आसपास इसका ऑन रोड निकल करके आ जाता है राधा हरी हीरो में। वहीं देख सकते हैं यहाँ दूसरा कलर लगा हुआ है, दो कलर में ये ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाता है, दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर रेड में जाते हैं तो मात्र आपको 3,09,000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। दोनों देखने में कलर में केवल आपको अलग अलग कलर देखने को मिलेगा, अलग फीचर वगैरह सेम मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए राधा हरी हीरो का आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल है, टेस्ट ड्राइव इस गाड़ी का आप ले सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा इस गाड़ी में। वहीं अगर हम इसके पावर की बात कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर आपको पावर देखने को इसमें मिल जाता है, क्योंकि इसके इंजन की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 440 cc का आपको इंजन इसमें देखने को मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं इसके हम पावर की तो 27 bhp का पावर, वहीं टॉर्क की अगर हम बात करेंगे तो 38 Nm का टॉर्क आपको इसमें देखने को मिल जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।